मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला श्रृंखला के अंतर्गत आज 15वां अंक प्रस्तुत है और इसमें हम जानेंगे बाघ के गुफाओं के बारे में। मित्रों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे अगली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए जानते हैं बाघ की गुफाओं के बारे में। भारतीय चित्रों की परंपरा का प्रतिनिधित्व अजंता के बाद बाघ की गुफा चित्रों में देखने को मिलता है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी में बाघनी नदी के किनारे स्थित है। स्थानीय लोग इन गुफाओं को पंच पांडव या कलयन की गुफाएं कहते हैं। यहाँ कुल 9 गुफाएं हैं और इन गुफाओं की खोज लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने 1818 में किया था। 1907 में कर्नल सीई लुगार्ड ने सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी दी थी। बाघ की गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के निवास की विहार गुफाएं थीं। ये गुफाएं अजंता की पहली तथा दूसरी गुफा के समकालीन हैं। यहाँ की गुफाओं में बने चित्र अत्यंत सुंदर हैं। फर्गुसन तथा वार्गेस जैसे कलाविद इनका काल 350 से 450 ईस्वी अथवा 450 से 500 ईस्वी के बीच निर्धारित करते हैं। बाघ की गुफा संख्या 2 से महिष्मती राज्य के शासक महाराजा सुबंधु का एक ब्राह्मी लिपि में लिखा ताम्रपत्र मिला है, जिसमें बताया गया है कि कलयन नामक विहार को दिसलिक पल्ली नामक ग्राम दान में दिया था, जिसका समय 460 से 466 ईस्वी था। बाघ की गुफाओं की कुल संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान में 5 गुफा ही सुरक्षित अवस्था में हैं, और इन गुफाओं के नाम इस प्रकार हैं। पहली गुफा है गृह गुफा, दूसरी पांडु गुफा, तीसरी हाथी खाना, चौथी रंग महल और पांचवी पाठशाला। इन गुफाओं में केवल चौथी और पांचवी गुफा में ही कुछ चित्र सुरक्षित बचे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण इन क्षेत्रों में शासन करने वाले गुप्तों के सामंतों ने कराया था। यहाँ की सभी गुफाओं में चित्र बनाए गए थे, किंतु वर्तमान में अधिकांश नष्ट हो गए हैं। सिर्फ चौथी व पांचवी गुफा के चित्र ही सुरक्षित अवस्था में हैं। बाघ की चौथी गुफा रंगमहल कहलाती है, जिसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ चित्रों के साथ ही पद्मासीन बुद्ध मूर्तियां भी हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह चैत्य गुफा है और किसी समय चित्रों और मूर्तियों से सुसज्जित थी। यहाँ भित्ति चित्र पैनल गुफा संख्या 5 के द्वार तक फैला हुआ है, क्योंकि गुफा संख्या 4 व 5 का बरामदा आपस में मिला हुआ है। इन दोनों ही गुफाओं की दीवारों व स्तंभों पर अनेक चित्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। रंग महल में मुख्य रूप से 7 चित्र प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला चित्र है 2 शोका कुल महिलाएं बैठी हुई हैं और उनके पास ही नीले रंग से बना एक कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ है। दूसरे चित्र में 4 व्यक्ति पगड़ीधारी घेर कर खड़े हैं और वो आभूषण पहने हुए हैं और ऐसा लग रहा है किसी गंभीर मंत्रणा में मग्न है। तीसरे चित्र में देव पुरुषों को आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। इसमें 2 समूह बने हुए हैं। प्रथम समूह में 6 पुरुषों को बादलों के मध्य दिखाया गया है और दूसरे समूह में 6 महिलाएं नीले रंग के जड़ाऊ आभूषण पहने हुए हैं। चौथा चित्र 2 महिला गायकों का समूह है। पहले समूह में 1 महिला बीच में और 7 महिलाएं उसके चारों ओर खड़ी हैं और दूसरे समूह में 1 महिला बीच में है और 6 महिलाएं घेरे हुए हैं। कुछ महिलाओं के बालों में जूड़ा है और कुछ के बाल खुले हुए हैं, लेकिन इन सभी महिलाओं के केश विन्यास आकर्षक हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि ये महिलाएं नृत्य कर रही हैं या गायन वादन कर रही हैं। इस चक्राकार नृत्य को भारतीय परंपरा में हल्लीसक कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण की रासलीला से माना जाता है। पांचवा दृश्य है 17 घुड़सवारों का समूह। यह एक राजकीय शोभा यात्रा का दृश्य प्रतीत होता है। छठा चित्र है हाथियों का दल। इसमें 6 हाथी और 3 घुड़सवार हैं। सातवें चित्र में 4 हाथी और 3 घुड़सवार के साथ ही केले और आम के वृक्ष बनाए गए हैं। यहाँ की चित्रण तकनीक भी अजंता से भिन्न है। गुफा की दीवारों पर लेप नहीं लगाए जाते थे। चिकनी दीवार पर चूने की सफेदी की जाती थी तथा उसके सूखने पर चित्र बनाए जाते थे। चित्रों को बनाने में लाल, पीले, नीले, भूरे, सफेद तथा काले रंगों का प्रयोग किया गया है। अलंकरण की गुणवत्ता की दृष्टि से यहाँ के चित्र अजंता के समकक्ष हैं। यहाँ के चित्रों में शांति, करुणा, सांत्वना आदि भावों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से ये अद्वितीय हैं। वर्ष 1953 में भारत सरकार द्वारा बाघ गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया और इसके संरक्षण का जिम्मा पुरातत्व विभाग को सौंपा गया। बाघ की गुफाओं के भित्ति चित्रों को कई शताब्दियों तक प्रकृति ने सहेज कर रखे थे। बाद में इन भित्ति चित्रों पर संकट मंडराने लगा। गुफा की चट्टानें भुरभुरे बलुए पत्थर के होने के कारण शीघ्र ही नष्ट होने लगी। अधिकांश गुफाएं गिरने लगी और भित्तियों पर बने चित्र नष्ट होने लगे। तब इन चित्रों को हटाने का निर्णय लिया गया। 1982 में इन चित्रों को दीवारों व छतों से निकालने का कार्य शुरू हुआ। नमी से प्रभावित इन चित्रों को तेज धार वाले औजारों से काटकर दीवारों से अलग किया गया। निकाले गए चित्रों को मजबूती देने के उद्देश्य से फाइबर ग्लास और अन्य पदार्थों से माउंटिंग की गई। चित्रों को वापस मूल स्वरूप में लाने के लिए उनकी रासायनिक पदार्थों से फैसिंग की गई। बाद में इन चित्रों को गुफाओं के पास ही स्थित संग्रहालय में रखा गया। इन चित्रों को अब संग्रहालय में देखा जा सकता है। बाघ के चित्र अजंता के चित्रों से भिन्न हैं, क्योंकि बाघ के चित्रों का विषय धार्मिक न होकर लौकिक जीवन से संबंधित है। अब आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को टू द पॉइंट के रूप में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। बाघ की गुफाओं के अन्य नाम हैं कलयन की गुफाएं और पंच पांडों की गुफाएं। बाघ की गुफाएं बाघनी नदी के किनारे स्थित हैं। बाघ गुफाओं का समय 4th-5th सदी का है। यहाँ कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 5 गुफा ही सुरक्षित बची हैं। ये हैं पहली गुफा गृह गुफा, दूसरी पांडव गुफा, तीसरी हाथी खाना, चौथी रंग महल और 5वीं पाठशाला। सिर्फ 2 गुफा रंग महल और पाठशाला के चित्र ही सुरक्षित हैं, बाकी गुफाओं के चित्र नष्ट हो गए हैं। बाघ की गुफाओं को 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने खोजा और इन गुफाओं का विवरण साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका में प्रकाशित किया। 1907 में कर्नल C.E. लुगार्ड ने सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी दी। 1910 में असित कुमार हल्दर ने यहाँ के चित्रों पर लेख प्रकाशित किया। रंग महल गुफा के राजकीय जुलूस नामक चित्र पर का अक्षर हिरोंजी रंग से लिखा हुआ है। गुजरी महल संग्रहालय में बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां रखी हुई हैं। 1921 में नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर व समरेंद्र नाथ ने यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपि तैयार की। बाघ की गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। बाघ की गुफाएं अजंता की पहली और दूसरी गुफा के समकालीन हैं। बाघ गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है, क्योंकि बाघ गुफा चित्रों के लिए प्रयुक्त
टेम्परा विधि का प्रयोग अजंता के चित्रों में भी किया गया है। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे बादामी की गुफाओं के बारे में। मित्रों, चैनल लाइक सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।